दोस्तों तो मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर। तो ये है ओल्ड फैशन, जो ओल्ड मॉडल होती है कमीज, इसे इसका नाम ही है कमीज। तो दोस्तों कुर्ता दूसरा चीज हो गया और कमीज दूसरा चीज हो गया। कमीज में जो है शॉर्ट वाली कॉलर लगती है और कफ लगती है। तो चलिए इसको हम कटिंग करके आपको बताते हैं। तो कटिंग करने से पहले हम नापी को समझ लें। तो मेरा लंबाई है 33.5 और चेस्ट सीना है 36 इंच और शोल्डर है 18.5। अब बाजू का लंबाई है 24.5 और जो मेरा कॉलर है वह है 14 और कफ है 9 और दावन है 26.5। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमीज कटिंग करना आप भी सीख जाएंगे और इसका स्टिचिंग वीडियो भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हो आरएस फैशन डिजाइनर बुटीक। तो प्लीज आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका बॉडी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो ये है मेरा सीना है 36 इंच, उसी के हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए नोचों का 36 हो गया और इसमें जो लूजिंग देंगे वो 2 इंची का देंगे और जो टेगिंग देंगे वो देंगे 1.5। तो ये देखिए मेरा 12.5 तक फिक्स आ रही है और जो वर्दी छोड़ेंगे सिलाई का मारी वो 1/2 इंच, तो मेरा टोटल 13 आ रही है। तो हम 13.5 पे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए 13.5 पे हमने मार्का लगा दिया और यहाँ भी एक 13.5 पे मार्का लगा देंगे। अब जो है इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इतना पे मेरी कटिंग हो जाएगी। अब जो है सबसे पहले ये ऊपर की एक मार्का लगाते हैं। ये देखिए ये मार्का हमने लगा दिया और इसके बाद जो है इसमें हम 2 इंची का मार्का लगाएंगे। ये देखिए अब जो मार्का लगाएंगे वो लंबाई का लगाएंगे। तो लंबाई है मेरा 33.5, तो 33.5 है तो हम लगाएंगे 34 पे और 1/2 इंची जो हमारी फोल्ड होगी वो 1/2 इंची हमने बर्ती लगा दिया। और ये देखिए अब जो हम मार्का लगाएंगे वो लगाएंगे सीने का। सीना है 36, तो ये देखिए 1/2 इंच ऊपर लगा के हमने 8.5 पे मार्का लगा दिया, जितना आया उससे 1/2 इंच हमने ऊपर लगा दिया। अब जो मार्का लगाएंगे वो लगाएंगे बेस्ट का। तो ये देखिए बेस्ट का हमने मार्का लगाया 17 पे और अब मार्का लगाएंगे पॉकेट का। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमारी पॉकेट जो है 6.5 पे मार्का लगाएंगे तो हमारा तैयार जो हो जाएगी 6 इंच हो जाएगी तैयार। और यहाँ से एक मार्का लगाएंगे 2 इंची का, तो 1, 2 इंची का मार्का लगा दिया हमने। अब जो है हर लाइन को हम सीधी कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले जो है हम ये वाली लाइन को सीधी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली वीडियो कुछ ना कुछ सीखने को मिलती रहती है। लेटेस्ट डिजाइन से लेकर हर चीज की कटिंग यहाँ पे आपको मिलेगी और स्टिचिंग भी मिलेगी। तो ये देखिए सबसे पहले कमीज में हम क्या करेंगे कि इधर से जो है एक मार्का लगाएंगे 1/2 इंच का। ये देखिए आप 1.5 इंच भी मार्का लगा सकते हो, बट फिट होती है 1/2 सही रहती है। सावा एक बोले तो 1 इंच 2 सूत को 1/2 इंच हम बोलते हैं। तो यहां से हम इसे सीधे कर लेंगे, इस तरीके से इसे हम सीधे कर लेंगे। ये देखिए अब जो मार्का लगाएंगे वो लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट है मेरा 36 इंच। ये देखिए तो मेरा चेस्ट का मार्का लगेगा 9 चौका 36। ये देखिए 36 का हमने मार्का लगा दिया, इसमें हम 2 इंची का लूजिंग देंगे। तो ये देखिए 2 इंची का हमने लूजिंग दे दिया। अब मेरा ये जितना आया 11 इंच, तो 11 इंच हमने यहाँ एक और मार्का लगा देगा। अब ये देखिए और दावन हमने नापी थी और दावन ये जो है कितना आया 12.5 आ रहा है, 12.5 आ रहा है। तो इसे हम 1 इंची बढ़ाकर दावन लगा देते हैं 13.5 पे। ये देखिए 13.5 पे हम दाग लगा देते हैं, बट इसमें जो है मेरा दावन नापा हुआ है तो इसमें है 26 इंच, इसमें 13 दुना का 26 मार्किंग लगाएंगे तो फिक्स आएगा और इसमें
सेम वही आया, देखिए सेम वही हिसाब आया जो हमने, जो मेरा हिसाब है सेम वही हिसाब आया। तो इसे जो है हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, ये देखिए। अब जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे शोल्डर का। तो मेरा शोल्डर है 18.5, तो या कोई भी हम नापी करेंगे यहाँ से, ये वाली मार्का से हम नापी करेंगे। तो ये देखिए 18.5। तो दोस्तों मेरा शोल्डर है 18.5, ये देखिए। तो 9 दुना 18 और 2 इंच बढ़ा देंगे तो 18.5 हो जाएगा। और इसमें जो है हम 1/2 इंच का लूजिंग दे देंगे, ये देखिए, ये मेरा सिलाई का लूजिंग हो जाएगा। और इसमें जो है कॉलर का निशान लगाएंगे तो मेरे, तो ये देखिए हमने हमेशा बताते हैं कि जो भी कॉलर का निशान लगेगा बढ़ावा भाग लगता है चेस्ट का। तो मेरा 36 है तो 3 इंची पे आ जाएगा ना, तो ये देखिए 3 इंची मेरा हिसाब आ रहा है। तो 3 इंची पे हमने मार्का लगा दिया और नीचे से मार्का लगा देंगे 2.25 पे। अब इसे जो है हम स्केल के द्वारा सीधे कर लेंगे। तो आप कमीज कटिंग नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से सीखिए कमीज कटिंग। और आप जो है इसका दूसरा भाग हम डाल देंगे स्टिचिंग का। तो ये देखिए यहाँ से हम 1/2 इंची पीछे किए और इस तरीके से मार्का लगा दिए और इसे जो है हम हल्की राउंड कर देंगे। ये देखिए कॉलर पे भी हम राउंड कर देंगे। तो दोस्तों ये वाली निशान बच रही है, तो इसे हल्की शेप फंटी जो होती है उससे हम मार्का लगा देंगे। हल्की शेप चाहिए और ये मार्का लग गई। अब फ्रेंड क्या करेंगे कि इसे हल्की राउंड कर देंगे। ये देखिए इसे हम इस तरीके से हल्की राउंड कर देंगे। कमीज में मेरी राउंड रहती है दोस्तों। तो मेरी मार्का लग चुकी है, तो चलिए हम कटिंग करके आपको बताते हैं। अब इसे कर देंगे कट, तो उसके बाद जो है हम फिर कट करेंगे बैक पल्ला। ये देखिए मेरा कमीज कट हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे एक नोचिस दे देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक नोचिस हमारी हो चुकी है। और यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देंगे, यहाँ भी इस तरीके से कट लगा देंगे और यहाँ भी इस तरीके से कट लगा देंगे। ये जो कट लगाए हैं इसमें हमारी पॉकेट बनती है। चलिए इसको हम अब बैक पल्ला कटिंग करके बताते हैं। यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। इस पर जो है हम अब ये फ्रंट पल्ला को रखेंगे इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल बराबर करके रखेंगे और ऊपर से 1.5 इंची बढ़ा कर रखेंगे। ये देखिए ये 1.5 इंची हमने इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखिए ये निशान आ रहा है, तो ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ पे बराबर कर देनी है, ये देखिए। और ये हमने बिल्कुल बराबर रख दिया, इस साइड से भी मेरा बिल्कुल बराबर रखा हुआ है, ये देखिए। आगे भी टेकिंग का मार्जिन सेम ही होता है। अब इसे हम कट कर देंगे, देखिए सेम कट करेंगे। ये देखिए अब मेरे इसमें बच रहा है अरमोल कटिंग। तो ये मेरा जितना शोल्डर है सेम इसी पे मार्का हम लगा देंगे इस तरीके से, और ये स्केल को रखेंगे और ये जो मार्का हम लगाया था इसे 1/2 इंच 1/4 इंच आगे बढ़ा देंगे, 1/2 से 1/4 इंच, और इसे भी हल्की इस तरीके से राउंड कर देंगे। ये देखिए अब इसे भी कट कर देंगे। कमीज है फ्रेंड, तो
तो आप कमीज नहीं कटिंग जानते हैं तो यहाँ से आप कटिंग पूरा सीख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ये देखिए अब इसे जो है हम इस तरीके से मापेंगे। ये मेरा कितना आ रहा है, 11.5। ये 11.5 आ रहा है। तो ये देखिए हमने बीच के इस तरीके से इंची टेप रखा और यहाँ पे एक इस तरीके से टेकिंग लगा दिया। ये मेरा मेन फुट का हुआ, यहाँ पे टेकिंग होगी, जितना हमारी होगी शोल्डर उसी के हिसाब से टेकिंग होगी। ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ये वाली बीच का मार्का हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे मेरी टेकिंग बैठेगी। अब ये देखिए ये मेरा फ्रंट पाला और बैक पाला कटिंग हो गया। अब कटिंग करेंगे स्लीव्स। ये मेरा स्ट्रेट स्लीव्स कटिंग करके आपको बताएंगे क्योंकि जिसमें कापड़ रहती है उसमें स्ट्रेट ही स्लीव्स की कटिंग की जाती है क्योंकि स्ट्रेट स्लीव्स की कटिंग अच्छी लगती है और धारी वाली में तो स्ट्रेट ही कटिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि कटिंग मेरा जो भी लाइनिंग है वो बिल्कुल सीधी सीधी गिरती है। कपड़ा कम रहने के कारण हम जो है तिरछी करके बाजू का कटिंग कर लेते हैं तो इसमें हम फिक्स कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जो है कंपनी का प्रिंट दे दिया है तो इसे बचा कर चलना है। तो सबसे पहले नीचे से एक मरका लगाएंगे। ये देखिए नीचे से हमने मरका लगा लिया और मेरा बाजू का जो लंबाई है स्लीव्स का वह है 24.5। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और मेजरमेंट करेंगे। ये देखिए मेरा 24.5 यहाँ आ रहा है। तो सारे जितना बाजू का लंबाई होता है स्लीव्स का उससे आधा इंच हमने कम मार्का लगाते हैं क्योंकि सिला कर जो है आधा इंच मैनेज हो जाती है जो कफ लगती है। कफ हमारी 2.25 इंच का लगती है। अब जो है मार्किंग करेंगे 3 इंच नीचा, 1-2-3 इंच मार्किंग करेंगे। 3 इंच मेरा ढूलेगा और ये देखिए अब ये जो मार्किंग करेंगे यहाँ पे मेरा कफ 9 लगेगा। तो ये देखिए 4.5 पे मेरा 9 आ जा रहा है तो ये ढीली रहती है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंची बढ़ा देंगे तो 5 पे कटिंग करेंगे और सिलाई के इसमें मार्जिन ले लेंगे। ये देखिए 5 मेरा हो गया। अब जो है हर लाइन को हम सीधी करेंगे। अब देखिए मेरा जो भी हिसाब आया था वो आया था 9.75 आया था। तो हमने 8.5 पे मार्का लगाया था तो 8.5 पे यहाँ मार्का लगा देंगे और इसे राउंड कर देंगे। चेस्ट का हमने जो मार्का लगाया था वही मार्का सेम यहाँ लगता है। अब जो करेंगे अब देखिए अब जो है ये सेफ फंडी को रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से मार्का लगा देंगे। फ्रेंड सेफ फंडी से इसलिए हम बाजू कटिंग करते हैं कि यहाँ पे जो ये लूज हो जाती है ये बिल्कुल अटक जाती है वो अच्छी नहीं लगती है इसलिए जो है हल्की सेफ कर देते हैं बाजू में और यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सबका हिसाब जो है अपना अपना होता है और कोई आप दूसरा वीडियो देखे होंगे तो उसका मेजरमेंट कुछ और होगा और मेरा कुछ और है। सबका मेजरमेंट थोड़ी सी अंतर हो जाती है क्योंकि बट अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हम जिस हिसाब से अपना कपड़ा बनाता हूँ मेरा कोई भी शिकायत नहीं होती है और बहुत ही कस्टमर जो है हमें बोलता है कि सर आप जो है बहुत अच्छी तरीके से मेरा कपड़ा स्टिचिंग करते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस ही मैं शेयर करता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करता हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से अब क्या करेंगे लेफ्ट एंड राइट का हम कट कर देंगे। स्लीव्स में जो है लेफ्ट राइट होती है, राइट और लेफ्ट होती है। तो ये मेरा जो है यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे और बाजू भी बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाती है, आगे नहीं जमती है कपड़ा जो जम जाती है। अब देखिए अब जो है अब जो हम चाक का कटिंग करेंगे तो इसको इस तरीके से करेंगे। ये देखिए तो फ्रेंड हमारी कटिंग कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और हमारे वीडियो को प्लीज शेयर कर दे। जो स्टिचिंग करना जानता है या सीखना चाहता है उसी के पास मेरे वीडियो को शेयर कर दे। अब जो है इसे हम इस तरीके से चाक को कट कर देंगे।
अब जो इसमें बाकी रह गया है वो रह गया है तीरा यानी कि शोल्डर, तो भी कट करके हम आपको बता रहे हैं। और इसका स्टिचिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो ये देखिए तीरा जो है किस तरीके से हम कट करेंगे। इसमें दो तीरा लगती है ऊपर नीचा। तो ये देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों तीरा एक ही साथ काट लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा ना हो तो एक एक करके काटें। ये देखिए दोनों तीरा हम साथ ही काट लेंगे। इसको जो हम क्या करेंगे यहां से एक निशान लगा देंगे। तो ये देखिए मेरा शोल्डर जो है तीरा वो है 18.5, तो मेरा 9.25 आ गया। और यहाँ से आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन रख लेगा, तो ये आया 10.25। 10.25 पे हमने मार्का लगा दिया। और यहाँ से मार्का हम लगाएंगे वो लगाएंगे 5.5 का, ये देखिए, और 1.5 इंच नीचे लगा देंगे। मेरा हालर 1.5 इंच पर ढुलेगी। और जो इस तरीके से हमने लगाया था हालर का वो लगाया था 3, तो इसमें भी इस तरीके से 3 लगा देंगे। और यहाँ भी सेम मार्का लगाएंगे। ये देखिए 5.5 पे हमने इंची चिप रखा और 1.5 इंची पे माइनस कर दिया। अब इसे जो है इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे, ये देखिए। और इसे जो है इस तरीके से हम स्ट्रेट कर देंगे और इसे जो है इस तरीके से हम मिला देंगे। ये देखिए हमारा जो है शोल्डर मार्किंग हो गया, शोल्डर एंड तीरा दोनों बोलते हैं इसको। अब जो है इसे हम कट कर देंगे, तो इसे इस तरीके से हम कट कर देंगे यहाँ से। और यहाँ से जो मेरा हालर है, हालर को बहुत अच्छी तरीके से कट करें, क्योंकि हालर के ऊपर ही मेरा कॉलर अच्छी तरीके से बैठती है। अब जो है इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए एक साथ मेरा दो दो तीरा कट चुका है, शोल्डर कट चुका है। और यहाँ पे एक हल्की नोटिस लगा देंगे। फ्रेंड तो अब हम इसका कट करेंगे कमीज का पॉकेट, जो नीचे पॉकेट रहती है सेम वही हम कट करेंगे। तो ये देखिए इसका चौड़ाई जो रहती है वो रहती है 7 इंच या 7.5, तो हम 7.5 रखेंगे, क्योंकि कमीज में थोड़ी चौड़ी पॉकेट रहनी चाहिए और पतली चाहिए, तो आप 7 पे भी कट कर सकते हैं। और इसका जो लंबाई होता है वो होता है 18 से 19 इंच, तो हम 18.5 पे कट करेंगे। ये देखिए 18.5 पे। अब यहाँ से इस तरीके से हम कट कर देंगे और यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट। ये देखिए अब यहाँ से जो है इसे इस तरीके से कट करेंगे, यहाँ से नोचिस एक लगा देंगे और यहाँ से एक नोचिस लगाएंगे, वो लगाएंगे 5.5 का। ये देखिए 5.5 का नोचिस यहाँ भी लगा देंगे। और यहाँ से जो है हल्की भी कर देंगे, यहाँ से मेरी राउंड होती है। ये देखिए कमीज का पॉकेट कट हो गया। अब जो है यहां से जो मेरा ज्वाइंट है वहां से ज्वाइंट को हम कट कर देंगे। तो हमारी कमीज की कटिंग पूरी हो गई। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए इसे हम एंड करते हैं।